जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा, जुड़ जाएं सभी लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे मारण प्रयोग के ऊपर। काफ़ी लोग जो हैं वो मारण प्रयोग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। कुछ प्रश्न भी हैं लोगों के, उसके भी उत्तर देंगे, तो वीडियो के साथ जो है बने रहें। देखो, सबसे पहली बात आती है कि मारण प्रयोग अगर हम सीखते हैं तो करने के लिए ही सीखते हैं। और मारण प्रयोग कहाँ करना चाहिए? देखो, एक तो कईयों का प्रश्न होता है कि क्या मारण प्रयोग तंत्र द्वारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, मारण प्रयोग जो है तंत्र द्वारा कर सकते हो और उचित है करना, क्योंकि अगर आपके घर में घुस के कोई आपको मारना चाहेगा तो क्या आप प्रहार नहीं करोगे? क्या आप बैठो रक्षा नहीं करोगे अपने घर की? तो शस्त्र उठाओगे ना। तो इसीलिए जो है, अगर कोई आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है, वो भी बिना वजह आपको परेशान कर रहा है, सालों से आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है, तो उसके ऊपर मारण प्रयोग बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि जो भी शस्त्र होगा फिर वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई हाथ है तो हम हाथों का प्रयोग करते हैं। अगर तंत्र सीखा है तो तंत्र का भी प्रयोग जो है अपने रक्षा के लिए करना उचित है। देखो, मारण प्रयोग में बहुत सारे प्रयोग आते हैं। भांडी प्रयोग भी आता है, मूठ का प्रयोग भी किया जाता है, और किसी शक्ति द्वारा भेज के बलि देकर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पिशाच की वीडियो डाली थी पहले, एक आध दिन हो गए हैं, तो पिशाच द्वारा जो मारण प्रयोग करवाया था किया जाता है, उसके बारे में भी जो है बताया था हमने। देखो, मारण प्रयोग हर किसी व्यक्ति को नहीं सीखना चाहिए। देखो, जो दिमागी तौर पे सही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मारण प्रयोग नहीं दिया जाता है। मान लो कि जो बहुत जल्दी उतावला हो जाता है, तो हम कई बार ये देखते हैं तो ये व्यक्ति इस तरीके का तो नहीं है कि किसी पर भी मारण कर देगा। क्योंकि मारण प्रयोग सिखाने से पहले हम एक शपथ भी लेते हैं सामने वाले से, और वचन लेते हैं कि वह व्यक्ति किसी निर्दोष प्राणी पे या किसी निर्दोष इंसान के ऊपर मारण प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो ना तो उसके लिए कल्याणकारी है, ना ही जनहित में कोई जो है वो कोई बात आएगी। तो मारण प्रयोग खुद की रक्षा के लिए और अन्य लोगों की रक्षा के लिए बिल्कुल किया जा सकता है, और तांत्रिक हमेशा मारण प्रयोग करते आए हैं। अगर हमें कोई बोले कि मारण प्रयोग सही नहीं है, पाप लगता है, तो ये एक स्त्रियों वाली दिशा है। स्त्रियाँ ही ऐसी चीज़ बोलती हैं, क्योंकि स्त्रियों ने फिर पूरा देखा भी नहीं होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को चोटें लगी होती हैं या जो व्यक्ति भुगत रहा होता है, उसी को पता होता है कि मारण प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोई घर बैठे बस कुछ धर्म के कुछ श्लोक पढ़ लेने से कोई वो नहीं बन जाता, तो इसीलिए जो है जो भुक्त भोगी है वही सब कुछ जानता है। क्योंकि एक चीज़ है अपने संसार में रह के सीखनी, क्योंकि संसारिक व्यक्ति को पता है कि अपनी रक्षा कितनी ज़रूरी है। तो उसमें मारण प्रयोग को हम बिल्कुल ही खुलेआम बोलते हैं, अगर कहीं अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तभी उसका इस्तेमाल करो, यूं ही इसका इस्तेमाल ना करो। और हमने किसी को मना भी नहीं किया है कि आप कभी कर नहीं सकते, या क्योंकि फिर इन चीज़ों का फ़ायदा ही क्या तंत्र का, फिर क्या तंत्र की फिर पावर ही क्या है। हर जगह हम नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम शिष्यों को खुलेआम बोलते हैं कि मारण प्रयोग कर दो किसी का भी, नहीं। हमारे शिष्य 100 बार सोचते हैं किसी का मारण करने से पहले, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे शिष्य जो है मारण प्रयोग सीखे हुए हैं। वो तकरीबन जो है बहुत बढ़िया वाला मारण प्रयोग करना जानते हैं किसी भी व्यक्ति का, लेकिन अनुशासित हैं, बहुत अनुशासन कड़े अनुशासन में रखा है हमने उनको। कभी भी वो इस चीज़ के विरुद्ध नहीं जाएंगे, हमारे विरुद्ध कभी जाएंगे नहीं। तो मारण प्रयोग बहुत खतरनाक प्रयोगों में से आता है। काफ़ी लोग ये चीज़ सीखना चाहते हैं। मारण हांडी प्रयोग हमने बहुत लोगों को सिखाया है, और कई बार क्या होता है कि मारण प्रयोग उचित नहीं होता है हर जगह। आपको कई बार सबक सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो, तो मारण प्रयोग के ऊपर बता रहे हैं इसीलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर छोटी बड़ी वजह पे मारण प्रयोग कर दो। देखो, अगर मान लो किसी ने बहुत ही बड़ा कुछ अन्याय किया है, उसके ऊपर प्रयोग करो सबक सिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। हो सकता है आपने मारण कर दिया, बाद में
उसके घर में भी कोई कुछ कोई होगा, उसके परिवार होगा, उनको देखभाल कौन करेगा उसकी? अगर आप ऐसे मारण करते जाएंगे तो फिर कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर बन जाएगी कि आप फिर मारण के लिए, वो आदत पड़ जाएगी आपको मारण करने के लिए, तो वो फिर व्यक्ति एक डायन का रूप धारण कर लेता है, यानी कि वो एक तरीके से उसको वो व्यक्ति नहीं रह जाता, वो फिर एक जानलेवा, एक आदमखोर बन जाता है। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी साधक जो है आदमखोर वृत्ति का बन जाए, क्योंकि आदमखोर वृत्ति जो है उस व्यक्ति के लिए तो खतरनाक है ही है, लेकिन संसार के लिए बहुत खतरनाक है। और हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई आदमखोर की तरह मारण प्रयोग करे, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिकों की पहले भी हम विद्या बांध चुके हैं जो इसी तरीके से मारण प्रयोग करने में लगे हुए थे, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे थे। मारण प्रयोग वहीं करो जहां उचित है। हो सकता है पूरी ज़िंदगी में आपको मारण प्रयोग करने की कहीं ज़रूरत भी ना पड़े, हो सकता है आपको 10-15 मारण करने पड़े पूरी ज़िंदगी में, तंत्र की लाइन ही ऐसी है। हो सकता है अगर कोई मिलेगा तो ही तो करेंगे ना आप, ऐसे किसके ऊपर करेंगे? चीज़ें बहुत स्पष्ट और साफ लफ्ज़ों में हम बोल रहे हैं, बहुत स्पष्ट भाषा में बोल रहे हैं। घुमा फिरा के बात करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है हमारी, तो जिससे भी हम अपने साधक से जैसे बात करते हैं वैसे ही आप लोगों को समझा रहे हैं। तो मारण प्रयोग सीखो, हो सकता है कब काम आ जाए, लेकिन सही व्यक्ति सीखे, हम यही आशा करते हैं कि सही जगह भी प्रयोग हो। तो मारण विद्या जो है, अब उदाहरण देते हैं कि किन लोगों पे, मान लो किसी ने 8-10 साल हो गए आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है, उसके कारण बहुत सारे आपका नुकसान हुआ है, और मान लो वो इतना नुकसान हुआ है कि वो सोच भी नहीं सकते हो आप, तो इसका मतलब क्या है? वो क्यों करता है कोई तांत्रिक प्रयोग अगर आपके घर के ऊपर करता है तो क्यों करता है? वो आपको मारने के लिए करता है या फिर आपकी बर्बादी के लिए करता है? दो ही चीज़ें हैं। या तो वो पूरा बर्बाद मिट्टी में मिलाना चाहता है कि तड़फा के मारना चाहता है। एक होते हैं प्रयोग, आपको बता दें कि कुछ तांत्रिक प्रयोग होते हैं कि हमने किए, किसी मान लो तांत्रिक करता है इसलिए नहीं कि तुरंत वो ख़त्म हो जाए, इसलिए कि उसका कारोबार ठप हो जाए, उसके घर में बीमारियां लग जाएं, तो वो जो दुश्मन होता है आपका फिर वो दूर मतलब कि दूर से देखता है आपको कि तुम्हारे घर पे हो क्या रहा है, तो फिर वो चीज़ें बाहर आती हैं बीमारियां, फिर वो घर जो है स्थिति बहुत डामाडोल हो जाती है। तो वो स्थिति में फिर जो है एक तरीके से वो भी मारण ही है, जो आपको अधमरा कर दे, जो आपके पूरे घर को अधमरा कर दे, वो मारण ही है। तो पूछा जाए कि वो अगर हमारा जो दुश्मन है, या क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि लोग जलन की वजह से भी दुश्मन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कारण होना चाहिए, लोग जलन की वजह से भी ऐसे ऐसे प्रयोग कर देते हैं यूं ही अपनी खुंदक मिटाने के लिए, छोटी मोटी खुंदक। मान लो कि छोटी मोटी बात हो गई है तो व्यक्ति में सब्र भी चाहिए, लेकिन यूं ही अगर कोई आपको सालों से परेशान कर रहा है तो उसके ऊपर बेझिझक मारण करना उचित है। हमने अपने शिष्यों को खुली छूट दे रखी है, जिसमें घोर अन्याय हुआ है जिस व्यक्ति के साथ, अगर वो बोलता है कि मारण प्रयोग करवाना है तो उसका मारण प्रयोग जो है सफल, उसका मारण प्रयोग करके दो, क्योंकि धरती जो है पूरी जो है इतनी चीज़ें हो रही हैं आजकल, इतने अन्याय हो रहे हैं, इतने पीड़ा हो रही है लोगों को, तंत्र देखते हैं तरह तरह के केस आ रहे हैं हमारे पास, तंत्र से गुंधे हुए हैं, जैसे पता नहीं कौन सा तंत्र का रंग चढ़ा दिया हो, घर में इतनी इतनी आत्माएं घूम रही हैं, तरह तरह के उनको सपने, पीड़ा, बीमारियां, ये सब हो रहा है। तो उसमें कई बार छोटी उम्र के बच्चे भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें फिर हमसे देखी नहीं जाती हैं। जब हम ये चीज़ देख नहीं पाते हैं तो इसलिए हमने खुली छूट दी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता आपको मिलता है जो बिना वजह किसी को परेशान कर रहा है, कोई ज़मीनी विवाद नहीं है, मान लो विवाद हो कोई ज़मीन का तो हम मानते हैं कि चलो ज़मीन की वजह से विवाद है, मान लो कोई ज़मीनी विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, उसका घर अलग है, तो फिर भी बिना वजह जानबूझ के अगर ऐसे प्रयोग किए जाते हैं तो उसको शठी का दूध याद दिलाया जाए, क्योंकि ये हम जितने केस हमारे पास आते हैं ना तंत्र के, हम कहते हैं कि हद है, ऐसे तांत्रिक करने वाले भी इतनी इतनी
मैली विद्याएं लेके घूम रहे हैं, किसी पर भी ऊपर मारण प्रयोग कर देते हैं, किसी के ऊपर भी बीमार कर देते हैं, उनको कौन पूछने वाला, ये बताओ। अगर हम अपने शिष्यों को बोलेंगे कि मारण प्रयोग नहीं करना है, तो बताओ जो ये मैली विद्या लेकर घूम रहे हैं, गंदी गंदी चीज़ें कर रहे हैं, किसी का चीज़ें ऐसी ऐसी हैं कि सुनी ना जाए, ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों के घर में हो रही हैं। तो अगर ऐसे तांत्रिक ऐसा कर सकते हैं, तो हमारे शिष्य सही जगह पर मारण प्रयोग या खतरनाक प्रयोग अगर रक्षा के लिए करना पड़े तो क्यों नहीं करेंगे। हमारे शिष्य हर वो प्रयोग करेंगे खतरनाक से खतरनाक जिसके लिए जिसकी ज़रूरत है। तो क्योंकि संसार को दोनों ही जो है पहलू याद करवाना ज़रूरी है। जो व्यक्ति जो है बहुत बुरे तरीके से किसी को तड़पाते हैं, अभी इन बातों से जो हमने बोली हैं साफ स्पष्ट, इन बातों से आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्यों जो है मारण प्रयोग को सिखाते हैं लोगों को। इसीलिए हो सकता है हमें ऐसा व्यक्ति सुन रहा हो जो शायद इस तरीके के काम करता हो। देखो, एक चीज़ सुन लो कि आखिर इस संसार से जाना है, आखिर इस संसार में किसी को भी नहीं रहना है। देखो, जो हम पंच तत्वों से बने हुए हैं, आखिर ये पंच तत्वों में विलीन होने हैं। कब तक ये पंच तत्व एक साथ रहेंगे, इनको अलग अलग होना है, तो ये भी कुछ समय ही होता है। तो क्योंकि सबसे पहली बात है कि पूरे संसार को अपना घर समझो, अपने आसपास को भी अपना घर समझो। क्योंकि अगर यहाँ पर आप अच्छा करके जाएंगे, अच्छा संसार छोड़ के जाएंगे, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जो लोग हैं, जो आने वाले कौमें हैं, वो जो अच्छा संसार देख के इसको और अच्छा बनाएंगे। जितना आप गलत करते जाएंगे, उतना धरती पे अधर्म बढ़ता जाएगा, लोगों की जाने जाएंगी, लोगों को बीमारियां पकड़ेंगी, लोग तरह तरह के चीज़ों के शिकार होंगे। क्योंकि आप जितने भी लोग हमारी ये वीडियो को देख रहे हो, आप ये सुन लो कि एक दिन जो आपका शरीर है वो जलना है, एक दिन राख होना है, चाहे वो हमारा शरीर है चाहे आपका है, पूरी दुनिया का शरीर, जितने भी लोग इस समय जिंदा हैं, पशु पक्षी हैं, इन सब का शरीर जो है मिट्टी में विलीन होना है। जो मनुष्य हैं उनका थोड़ा अधिक समय होता है, तो होना तो मिट्टी में विलीन है। कोई व्यक्ति देखा है आपने कि 300-400 साल पुराना कोई व्यक्ति देखा है कभी आपने, कोई जिंदा है बोला हो कि मेरी तो मृत्यु नहीं हुई। हम सिद्धों को छोड़ के, जो सिद्ध होते हैं वो 300-400-500, उनके लिए कोई समय उनको बांध नहीं सकता है। क्योंकि जब ये विद्याओं पे बात आ जाती है तो फिर समय भी नहीं घेरता उनको। तो ये चीज़ें ये हैं कि जो सिद्ध होते हैं वो बहुत ऊपर की अवस्था होती है, लेकिन जो आम साधक हैं उनको तो, आम लोग हैं उनको तो जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विद्याएँ अनंत हैं और विद्या की जो बारीकियाँ हैं, गहराइयाँ हैं, वो भी बहुत गहरी हैं। तो आशा करते हैं हम कि अच्छे से समझ आपको आया होगा। इस बात को अपने मन में बिठाएं, एक अच्छे साधक बने, हम भी सिखाने के लिए तैयार हैं। एक गलत साधक ना बने, एक गलत व्यक्ति ना बने। हमारे पास जो है कोई भी प्रयोग आप करवा सकते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, लेकिन थोड़ा अन्याय भी होना चाहिए उसमें, फिर भी हम भी करते हुए अच्छे लगते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माँ काली।